आज जो मैंने पेपर लिया है प्लेन पेपर है A4 साइज, देन इसका जो GSM है 150 GSM मैं आज यूज़ कर रही हूँ। आज इंडियन डिज़ाइन में यहाँ पे करवा रही हूँ, सो मेरी स्टाइल का जो पीकॉक है वो पाम से फोर फिंगर से मैं यहाँ पे स्टार्टअप कर रही हूँ। किस किस को वीडियो ब्लर दिख रहा है प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, विल सॉल्व प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है ब्लर। फाइन, अभी क्लियर है? ओके फाइन। सो लास्ट टू डेज हमने थोड़े से यूनिक और फैंसी डिज़ाइन किए थे फॉर द बिगनर, बट आज थोड़ा सा हम डिटेलिंग वर्क करेंगे, देन थोड़ा सा हेवी वर्क। सो यहाँ पे मैंने पिकॉक का मार्जिन किया है, फाइनल लाइन नहीं क्रिएट की है, ओनली डॉटेड मार्जिन किया है। देन नेक्स्ट यहाँ से मैं पार्सली ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द पार्सली, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको केरी का शेप बोल सकते हैं। देन हर एक पोर्शन के बाद, हर एक शेप के बाद मैं हमेशा एक डॉट क्रिएट करके एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करती हूँ फॉर द न्यू शेप। कभी भी न्यू शेप का जब मैं स्टार्टअप करती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा न्यूज ऐड करके ही स्टार्टअप करती हूँ, ताकि वो शेप एक दूसरे डिज़ाइन के साथ कनेक्ट ना हो, एक दूसरे डिज़ाइन के अंदर मिक्सअप ना हो। टर्निंग पोर्शन पे मैं लीव यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, टर्निंग के साथ अप टू डाउन, टर्न अप टू डाउन, देन अपोजिट लीव्स अप टू डाउन। आप डबल लाइन करके भी कर सकते हो। अप टू डाउन,
जैसे जैसे हमारी एंडिंग होते जा रही है, लीव्स की जो साइज है वो भी स्मॉल होते जाएगी। स्टार्टअप जो है मैंने बिग लीव से किया है, देन आफ्टर 3 लीव्स के बाद जो भी मेरी लीव स्टार्टअप हुई है वो एंडिंग पोर्शन पे, स्मॉल स्मॉल पोर्शन पे ही आएगी। सारी जो लीव्स है एक साइज की नहीं है। देन एंडिंग पोर्शन पे इस तरीके से मैंने थोड़ी लंबी सी लीव्स यहाँ पे बनाई है। देन एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट की है यहाँ पे लीव्स के साथ, हाफ लाइन यहाँ से देन हाफ लाइन यहाँ से, स्मॉल डॉट सेंटर में, बिग डॉट। इस तरीके से जो भी मेरा पोर्शन है ड्रॉ करने का जो है, सारे शेप्स में एक साथ पहले ड्रॉ करूंगी। स्कैलप इंडियन डिजाइन का एक रूल है कंपल्सरी, वो ये है कि एवरी शेप के बाद आपको एक एक्स्ट्रा बॉर्डर जरूर क्रिएट करना है। लाइक ये शेप में मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉर्डर की लाइन यहाँ पे मार्जिन देके इस तरीके से बॉर्डर बनाने के लिए, बॉर्डर की डिज़ाइन इसके अंदर बनाऊंगी। उसके लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे लाइन बना के मार्जिन करके उसको एम्प्टी छोड़ूंगी। मेरे IGTV वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो जिनको भी अटेंड करना है लाइव सेशन ही अटेंड करें। IGTV वीडियो किसी किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। इंस्टाग्राम से ही आगे से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैं IGTV पे वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी। रिपोर्ट की है मैंने, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वीडियो मैंने रखा था बट कुछ लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे, किसी को दिख रहा था किसी को नहीं दिख रहा था वीडियो। हाफ राउंड यहाँ पे मैंने बनाया है, देन यहाँ पे 3 लाइंस ऐड कर रही हूँ, देन आफ्टर टर्निंग पोर्शन पे स्कैलप की लाइन, ये हाफ राउंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगेन हाफ राउंड यूज़ करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा 2 लाइन क्रिएट की है नॉर्मल, देन डबल स्कैलप की लाइन। देन अगेन मैंने जो रूल बोला था, एवरी शेप के बाद बॉर्डर की डिज़ाइन, बॉर्डर के लिए आपको कंपलसरी एम्प्टी एरिया ड्रॉ करना ही है।
देन कोई भी फिलिंग की डिज़ाइन, कोई भी बॉर्डर की डिज़ाइन रिपीट नहीं होगी इंडियन डिज़ाइन में। देन सेंटर पॉइंट से लोटस ड्रॉ करने हैं। इस तरीके से एक सेंटर लोटस ड्रॉ किया है, देन एक लेफ्ट डायरेक्शन में, देन उसका अपोजिट राइट। देन अगेन लोटस फिंगर के पोर्शन पे इस तरीके से हाफ शेप क्रिएट करना है। देन जो मेरा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे भी मैं हाफ पोर्शन पे ड्रॉप शेप यूज़ करूँगी। अगेन स्मॉल ड्रॉप शेप, देन यहाँ पे मुझे लोटस की डिज़ाइन का एंडिंग करना है। सो यहाँ पे इस तरीके से लोटस यूज़ करूँगी। हाफ राउंड, देन लूज जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको एक्स्ट्रा शेप से आपको कवर करना है। इस तरीके से देन आफ्टर लोटस जितना पोर्शन हमारा डार्क होने वाला है उस पोर्शन को हम आउटलाइन बॉर्डर इस तरीके से दे देंगे।
इस तरीके से. देन ये जो मेरा एम्प्टी एरिया है इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँगी फॉर द टू सेक्शन पार्ट में. यहाँ पे दो सेक्शन कर दिए डिफरेंट डिफरेंट, वन एंड टू. देन अगेन बॉर्डर के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ा है. इसमें मैं इस तरीके से बॉर्डर क्रिएट करूँगी ब्लू को कनेक्ट करके. देन ये जो मेरा पोर्शन यहाँ पे एम्प्टी है इसमें हम अगेन ऐसा ही सेक्शन लेंगे. क्रॉस लाइन आप यहाँ पे हाफ राउंड भी ले सकते हो, बट ऑलरेडी हमने राउंड पोर्शन ऊपर के पोर्शन पे ड्रॉ किया है. सो कोई भी डिज़ाइन या कोई भी शेप मैं रिपीट नहीं करूँगी. देन अगेन फिर से बॉर्डर के लिए एम्प्टी एरिया. आज की इंडियन डिज़ाइन में एक चीज़ खास है कि आज मैंने फ्लोरल यूज़ नहीं किया है, कोई भी फ्लावर यूज़ नहीं किया है. विदाउट एनी फ्लावर इंडियन डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाई है. देन यहाँ से लास्ट फिंगर, देन उसके पास वाली फिंगर से मैं थोड़ा सा हाफ राउंड लूँगी. जिनको भी ब्लैंक डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो बाद में प्रैक्टिस के लिए. टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज फिलअप करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से स्टार्टअप हुआ था. सो आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो. देन स्टार्टिंग पॉइंट से लीव से मैं स्टार्टअप करूँगी. वन साइड की लीव्स की फिलिंग हम पहले करेंगे, देन सेकेंड पोर्शन सेकेंड स्टेप.
इस तरीके से न्यूज़ का फिलअप करना है। देन सबसे पहले मैं पिकॉक की फिलिंग करूँगी। डाउन साइड ड्रॉप शेप में मैंने एक स्मॉल मीडियम साइज का डॉट बनाया है। देन पिकॉक की नेक, तीन लाइन बना के डबल स्कैलप की लाइन, ट्रिपल स्कैलप की लाइन, कॉर्नर पॉइंट टू, स्टार्ट द स्पाइरल। देन स्केलअप की लाइन, वन टू देन थ्री। जो भी हमने फिलिंग की डिज़ाइन सीखी है, आप अपने हिसाब से कोई भी फिलिंग की डिज़ाइन इसमें यूज़ कर सकते हो। डबल स्केलअप अगेन, स्केलअप की लाइन, देन सिंगल स्टॉक की लीव्स, हाफ राउंड, देन स्मॉल जो हमारा एरिया यहाँ पे एम्प्टी है, इसको हम वन टू एंड थ्री स्पाइरल से उसको कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पे मैं पिकॉक की बीक बनाऊंगी।
देन नेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड का जो शेप है उसकी हम फिलिंग करेंगे। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे, डार्क पोर्शन, स्केलप की लाइन, स्मॉल सेक्शन हाफ राउंड में, देन राउंड, डार्क बॉर्डर के बाद डबल लाइन, देन हमारी थ्री लाइंस, अगेन स्केलप, सारे जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल स्मॉल जो भी यहाँ पे हमने सेटअप किया है सब में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ करेंगे। देन रिपीट डिज़ाइन नहीं रहेगी कोई भी। डबल लाइन करके आपको उसको इस तरीके से फील करना है, बट मैं डायरेक्ट ही करती हूँ बिकॉज मुझे इसकी आदत है। देन सिंगल लाइन, डबल लाइन, थैंक यू। इंडियन डिज़ाइन ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं कर सकते बिकॉज फिनिशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉर्नर पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करके डबल स्केलअप, थ्री टाइम्स स्केलअप, थैंक यू एवरीवन। जस्ट स्टार्टअप हमने सिर्फ ड्रॉ किया है, देन अभी हमारे दो शेप भी फिल नहीं हुए, सो टाइम देख सकते हो कि हाफ एन आवर यहाँ पे हम लोगों को लगा है। सो इंडियन डिज़ाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है वैसे। मैम आप आज टायर्ड हो आवाज़ से लग रहा है। यस, मेरी मॉर्निंग में ब्राइड थी, सो जस्ट मैं ब्राइड कंप्लीट करके ही आई हूँ,
सो दैट्स वाई गुड क्वेश्चन, कैसे समझेंगे कि ये इंडियन डिज़ाइन है? इंडियन डिज़ाइन सबसे डिफरेंट होती है, और कैसे समझना है इसका एक ही रूल है कि पूरी जो हमने इंडियन डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं रखा है। सो ये पूरी कैसे है कि फुल्ली फिल की हुई डिज़ाइन है, पूरी भरी हुई डिज़ाइन है। सो हम इसको इंडियन डिज़ाइन बोल सकते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट जिनको कन्फ्यूज़न है उन लोगों को बता देती हूँ कि इंडियन डिज़ाइन में कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट जो होता है वो एम्प्टी नहीं होता है। सारे सेक्शन, सारे एरियाज़ को डिज़ाइन के साथ कवर किया जाता है। इस तरीके से फील करना है, देन आउटर फील, सॉरी आफ्टर फील, आउटलाइन बॉर्डर, ये इंडियन डिज़ाइन की सबसे इजी टेक्निक है जो मैंने आप लोगों को बताई है। पर्सनली मैं भी यही टेक्निक फॉलो करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप इस तरीके से स्टार्टअप करोगे, देन स्टेप बाय स्टेप फिलिंग करके इस तरीके से करोगे तो आपको इंडियन डिज़ाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन बॉर्डर के लिए हमने यहाँ पे स्पेसिंग रखा है। सो मैं इसमें इस तरीके से बॉर्डर बनाऊंगी। अब साइड जो कॉर्नर पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को डार्क पोर्शन से फिल करना है। देन जो हमारा हाफ राउंड है यहाँ पे हम स्पाइरल ड्रॉ करके सेंटर में डॉट, देन स्केलअप। जल्दी जल्दी सब लोग रिजॉइन हो जाओ।
थैंक यू आरू। देन यहाँ पे स्पाइरल के साथ सेंटर में डॉट, फिलर में कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी गैपिंग नहीं आना चाहिए। तो कंटिन्यू हम फिलर की डिज़ाइन करेंगे स्पाइरल के साथ डॉट। इस तरीके से देन यहाँ पे वापस से बॉर्डर का पोर्शन है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं डबल लाइन क्रिएट कर रही हूँ। स्टैंडिंग लाइन, देन लैंडस्केप लाइन, देन जो डबल लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको डार्क पोर्शन से फिल करना है। इस तरीके से देन ये पोर्शन हम पहले कंप्लीट करेंगे, बिकॉज सेंटर पोर्शन जब आप डार्क पोर्शन से फील करते हो तो कहीं पे भी आपका हैंड टच हो सकता है, सो डिज़ाइन रिमूव हो सकती है। सो राइट साइड का जो हमने एक्स्ट्रा जो ये पार्ट ड्रॉ किया है उसको पहले हम फीलिंग करेंगे। यहाँ पे हम ग्रिड लाइन यूज़ करेंगे बिकॉज थोड़े से पोर्शन पे हमने सारे शेप्स में फिलअप की डिज़ाइन यूज़ की थी।
क्रॉस लाइन, देन कॉर्नर पॉइंट से अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे, देन स्केलअप, स्मॉल स्क्वायर बनाने हैं, ज़्यादा बिग नहीं बनाने हैं। देन जो भी हमारे कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे हम चार डॉट क्रिएट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट स्क्वायर का जो भी कॉर्नर एरिया है, इस तरीके से। देन जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे राउंड करके शेड करना है। इस तरीके से देन ये जो पोर्शन है राइट साइड का हमारा कम्प्लीटली फिल हो गया है। यहाँ पे हम टिप्स को फील कर देंगे। देन जो हमने कटवर्क की डिज़ाइन बनाई थी उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फील करना है। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपने कटवर्क का जो सेंटर पोर्शन लिया है उसको फील करके उसके बाद आपको फिलअप नहीं करना है, बिकॉज़ ये बॉर्डर डिज़ाइन के साथ टच होगा। देन जो भी आप फीलिंग की डिज़ाइन कर रहे हो वो जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे वो रिमूव होते जाएगी। सो मैंने पहले फीलिंग की डिज़ाइन बनाई, उसके बाद ये कटवर्क को मैं फील कर रही हूँ। यस्टरडे हमने जो डिज़ाइन की थी कटवर्क के साथ उसमें कुछ फ्लावर का वेरिएशन लिया था, फ्लावर के साथ कटवर्क किया था, आज लोटस के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, किस किस को आज की डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, किसको क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, किसी को फिलअप अच्छा लगा होगा, किसी को लोटस अच्छे लगे होंगे, किसी को ग्रिड लाइन अच्छी लगी होगी। लोटस
पीकॉक, लोटस, कटवर्क, स्वास्तिक बॉर्डर, नाइस, फिलअप, अभी तो सब अच्छा है लेकिन फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छा है। बट मैंने आज तो कोई फ्लावर ही यूज़ नहीं किया है डिज़ाइन में, विदाउट फ्लावर मैंने आज डिज़ाइन बनाई है, स्टार्टिंग लीव्स। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स है लोटस एंड पीकॉक। थैंक यू जैक्स, ऑल बॉर्डर्स। लोटस कर्व आपका कौन? थैंक यू, ये सबसे यूनिक कमेंट था मेरे लिए। मेरा कौन तो नाइस है ही, वो तो मुझे भी अच्छा लगता है। सब अच्छी है, सब तो अच्छा है, बट सबसे मेन चीज क्या अच्छी है? आप ये इंडियन डिज़ाइन ब्राइडल को यूज़ कर सकते हो, इंगेजमेंट ब्राइड को यूज़ कर सकते हो। प्योर इंडियन डिज़ाइन नहीं है इसमें, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक भी दिया है। एकदम प्योर इंडियन डिज़ाइन में नहीं बनाती हूँ, मेरा थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक ही रहता है इंडियन डिज़ाइन में। आपकी मेहनत, थैंक यू, आपकी फिनिशिंग। मेरा कौन तो मुझे परफेक्ट चाहिए ही, मेरा कौन जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक मुझसे डिज़ाइन नहीं बनती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेश मेहंदी। सो आप लोग कोई अगर ऐसा करते हो कि आज मेहंदी भिगोई है और कल उसी मेहंदी से डिज़ाइन बना ली है, तो वो भी सबसे मेन चीज़ है कि उससे भी आपका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। सो डेली आप फ्रेश मेहंदी और फ्रेश कॉर्न ही यूज़ करो। सबसे अच्छा है आपका प्यार जो आप इतने अच्छे से सिखाते हो। यस, थैंक यू, एवरीथिंग इज योर टीचिंग टेक्निक आ रहा है उसम, थैंक यू। देन यहाँ पे भी हम, यू वेरी नाइस आर्टिस्ट, थैंक यू मैम। आपका फेवरेट क्या है? मेरी सारी डिज़ाइन फेवरेट है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मुझे पर्सनली मेरी डिज़ाइन में क्या ज़्यादा रहता है, पीकॉक एंड लोटस, बिकॉज मेरे क्लाइंट को ज़्यादा पसंद है, सो दैट्स वाई आई एम लाइक। देन यहाँ पे भी मैं ग्रिड लाइन का यूज़ करूँगी। देन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि एकदम डार्क ग्रिड लाइन यूज़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पे कटवर्क है तो एकदम डार्क वाली ग्रिड लाइन नहीं आएगी, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगी। सो यहाँ पे मैं लीव्स बना रही हूँ,
ल्यूज को आपको ऐसे बनाना है कि वो दो कॉर्नर पे यूज हो जाए, जिस लाइक कि ये जैसे मैंने ल्यूज बनाई है, देन ये बनाई है, तो इसका यूज इस पोर्शन पे भी हो रहा है, देन इसका यूज इस लाइन पे भी हो रहा है। ये टोटल लीव आपको कॉर्न के प्रेशर से ही बनानी है। फर्स्ट स्टेप में हमने सारे जो कॉर्नर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे सब पे लीव्स ड्रॉ की है। देन सेंटर से हम डॉट करेंगे। जो लोग भी कॉल कर रहे हैं उनका कॉल मैं अटेंड नहीं कर सकती बिकॉज लाइव सेशन चालू है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन एक दूसरी डिज़ाइन के साथ मिक्सअप ना हो। इस तरीके से लाइन देन डॉट, पहले लीव्स ही बनानी है फिर लाइन बनानी है। आज के लाइव सेशन में मे भी हाफ एन आवर और लगने वाला है। इस तरीके से देन अगेन बॉर्डर, जो एम्प्टी एरिया हमने छोड़ा है बॉर्डर के लिए, वहाँ पे हम बॉर्डर यूज़ करेंगे। कुछ डिफरेंट स्पाइरल करके स्केलअप, देन जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक एक लीव्स ड्रॉ करेंगे। जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिलिंग में यूज करना है। इस तरीके से देन नेक्स्ट स्टेप, हाफ राउंड एंड प्रेशर से
सिंगल स्ट्रोक की लीव्स क्रिएट करनी है राउंड के सेंटर पॉइंट में। अब यहाँ पे ग्रिड लाइन्स है तो ये भी ध्यान रखना है कि वापस ग्रिड लाइन के बाद वापस ग्रिड लाइन यूज़ नहीं होगी। एक सेक्शन ग्रिड लाइन का यूज़ किया है तो एक सेक्शन आपका फिलिंग का यूज़ होगा। मैंने पूरी कॉर्न यूज़ कर ली, मेरे कॉर्न भी ख़त्म होने आई है। लाइव वीडियो में तो पोस्ट डेली कर रही हूँ बट पता नहीं लाइव में भी प्रॉब्लम आ रही है और लाइव के वीडियो में भी प्रॉब्लम आ रही है। IGTV पे कुछ लोगों को शो हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं शो हो रहा है। मैंने रिपोर्ट भी की है, जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। लाइव वीडियो में रेगुलर पोस्ट करती हूँ बट आधे लोगों को दिखता है, आधे लोगों को नहीं दिखता है। दो दिन से इशू आ रहा है, इतने दिन शो हो रहा था बट लास्ट 2 डेज से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। परफेक्शन के लिए डेली कितनी देर प्रैक्टिस चाहिए? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो अच्छा है बट आई सजेस्ट यू कि डेली 2 आवर आप प्रैक्टिस रेगुलर करो। 2 आवर इज इनफ बट जितना ज़्यादा हो करोगे तो बेटर है। मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करती हूँ बिकॉज मेरी डेली की प्रैक्टिस जो है वो मेरे ऑर्डर्स में हो जाती है। प्लीज़ आज वीडियो का प्रॉब्लम मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इंस्टाग्राम टीम को रिपोर्ट की है, अब सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं आया है।
स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आप देख सकते हो कि हमने ट्राई किया है कि कोई भी डिज़ाइन को रिपीट नहीं किया है, कोई भी फिलिंग की डिज़ाइन को रिपीट नहीं किया है, किसी भी बॉर्डर को रिपीट नहीं किया है, किसी भी ग्रिड लाइन को नहीं रिपीट किया है। रिपीटेड डिज़ाइन का ज़्यादा लुक नहीं आता है, फिलिंग डिज़ाइन अगर आप रिपीट करते हो तो। और अगर आपको फिलिंग की डिज़ाइन रिपीट भी करनी है तो एक टिप देना चाहूँगी कि अगर कोई भी फिलिंग की डिज़ाइन आपने यहाँ पे यूज़ की है सो आप सीधा उसको उससे थोड़े से हाफ पोर्शन से आप थोड़ी सी दूरी पे यूज़ कर सकते हो। लाइक ये डिज़ाइन मेरी यहाँ पे है तो जस्ट इसके पास वाले शेप में यही डिज़ाइन रिपीट नहीं होगी। अगर इसी डिज़ाइन और इसी फिलिंग को आपको यूज़ करना है तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिल कर सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। दो दिन से हमने इजी डिज़ाइन की थी तो दैट्स वाई आज हमने थोड़ी सी हैवी क्रिएशन की है। सो बिगनर्स को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट आपको ट्राई तो करना है, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली बन जाएगी। पूरा बेसिक 15 डेज में कवर हो जाएगा। ये बेसिक नहीं चल रहा है, ये हमारी एडवांस डिज़ाइनिंग है, इट्स नॉट बेसिक कोर्स। बेसिक हमने जस्ट 5 to 6 डे का रखा था, फिलिंग के डिज़ाइन, फ्लावर्स के डिज़ाइन, ग्रिड लाइन डिज़ाइन। ये बेसिक कोर्स नहीं है। देन वापस से हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन यूज करेंगे। किस किस को आज खाना बनाने में लेट हो रहा है? मेरी वजह से। फिंगर्स पे डिज़ाइन बनाते टाइम आपको गुस्सा नहीं निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट से आपने बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है बट आप फिंगर्स पे आके गुस्सा निकालोगे तो फिंगर का लुक नहीं आने वाला है। सो आई सजेस्ट यू कि जितना अच्छे से काम आपने स्टार्टिंग पॉइंट से किया है तो एंड भी बहुत अच्छे से करो। खाना बना लिया है, नाइस। आपका सेशन देखने के लिए जल्दी जल्दी खाना बना लिया है। मुझे अभी मम्मी से डांट पड़ी है खाना कब बनाएगी। बन गया पहले, बहुत अच्छा। मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है, मेरी आज ब्राइड थी, आज मैंने सुबह से लंच भी नहीं किया है। मेरी सांस बना रही है, दैट्स नाइस।
आप बहुत लकी हो। मैम आपको थेपला खाना है तो आ जाओ, बन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। बट आज सुबह से ब्राइड करते करते मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ, अभी मेरी भूख ही चली गई है। यस, ब्राइडल के बाद भी सेशन लिया, बिकॉज सेशन था इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा। सो मैं अर्ली मॉर्निंग में निकल गई थी ब्राइड के लिए। मैम हमारी स्वीट की शॉप है, आ जाओ। आई लव स्वीट। थैंक यू। मैम हम इसीलिए पतले हो, खाना नहीं खाते हो? नहीं, खाना खाती हूँ बट लिमिटेड। How you maintain your health and weight while having such a heavy workload? प्रॉपर खाना खाती हूँ मैं, कोई डाइट वाइट फॉलो नहीं करती हूँ। ये हमारे फिंगर की पोर्शन हमने एम्प्टी रखी है, सो यहाँ पे टिप की फिलिंग करनी है। थैंक यू भूमि डोकिया। अभी मैं टिप की फिलिंग कर देती हूँ, उसके बाद जिनको स्क्रीनशॉट लेना है मैं फुल फाइनल डिज़ाइन आप लोगों को बताती हूँ, स्टार्टिंग से लेके कि अब हमारी डिज़ाइन का लुक जो है वो कैसा दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। डिज़ाइन कंप्लीट होने की देरी नहीं रहती है और बहुत सारे लोग जल्दी से लेफ्ट हो जाते हैं। पेपर डिज़ाइन कैसे सेव करते हो, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मोनिका मेहंदी आर्ट, इट्स माय चैनल ऑन यूट्यूब, वहाँ पे सब बताया है, आप देख सकते हो वीडियो में जाके कि आफ्टर डिज़ाइन आपको पेपर वर्क को कैसे सेव करके रखना है, आपकी डिज़ाइन लॉन्ग टाइम तक चले और आपकी डिज़ाइन भी ख़राब ना हो उसके लिए। सो हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है।